31 यात्रियों से भरी बस हाईवे पर पलटी। चार धाम यात्रियों ने मचाई चीख, खौफनाक मंजर। इन दिनों चार धाम यात्रा सुचारू है। लगातार यात्रियों का हुजूम दर्शन के लिए चारों धाम जा रहा है। देश के कोने कोने से भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे पर मध्य प्रदेश से आए 31 यात्रियों की बस पलट गई, जिसके बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तस्वीरें देखकर ही हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। मिली जानकारी मुताबिक गंगोत्री नेशनल हाईवे पर झाला पुल के पास यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर्षिल भेजा गया, जहां घायल यात्रियों का उपचार चल रहा है। ये सभी यात्री गंगोत्री धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं जो यात्री इस हादसे में सुरक्षित हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा दूसरी गाड़ी से गंगोत्री धाम तक भेजा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यात्रियों से भरी बस किस तरीके से हाईवे पर पलट गई। बस पलटते ही क्षतिग्रस्त हो गई, बस के शीशे टूट गए। जानकारी मुताबिक शुक्रवार सुबह तकरीबन 6 बजे एक बस गंगोत्री धाम दर्शन के लिए यात्रियों को लेकर जा रही थी। इस दौरान झाला पुल के पास बेकाबू होकर बस सड़क पर पलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकाला और इस हादसे में 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। चार धाम हाईवे पर इन दिनों गाड़ियां सरपट दौड़ रही है। चार धाम यात्रा में यात्रियों का आना जाना लगा हुआ है, जिस वजह से हाईवे व्यस्त नजर आता है और जरा सी लापरवाही में इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। फिलहाल घायलों का उपचार किया जा रहा है। उत्तरकाशी से ओंकार भोगुना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।